पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह भीलवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने तेरापंथ महाश्रमण सभागार में आचार्य महाश्रमण से मुलाकात की। सभागार में आचार्य महाश्रमण का चतुर्मास प्रवास हो रहा है। इस मौके पर राज्यपाल वीपी सिंह ने कहा कि आचार्य श्रमण ने हमें अपने कर्तव्यों का पाठ पढ़ाया है। भीलवाड़ा का सौभाग्य है कि माँ श्रमण जी आचार्य यहाँ पर चतुर्मास करा रहे हैं और 4 महीने तक यहाँ विराजेंगे। आज भी हम लोग को जो पाठ जो आपने हमारे को उपदेश दिए और आज भी डेमोक्रेसी, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज पे भी आज आपका सरमन था। मुझे तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज भीलवाड़ा उनके स्वागत और अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे मैं हाजिर हूँ। तो राष्ट्र के सैनिक लोग हाथ हथियार भी हाथ में लेते भी, क्योंकि उनका लक्ष्य है राष्ट्र की रक्षा करना, मातृभूमि की रक्षा करना, ये उनका राष्ट्र धर्म होता है। तो वो हथियार उठाते हैं, वो हिंसा भी एक आवश्यक कोटि की हिंसा मानी जा सकती है, क्योंकि वहां लक्ष्य मूल मारना नहीं है, लक्ष्य राष्ट्र की रक्षा करना होता है। तो रक्षा के लिए कई बार हथियार हाथ में लेना पड़ सकता है। अलग साधु तो नहीं ले, जो गृहस्थ हैं उनको देश की रक्षा के लिए हथियार भी हाथ में लेना पड़ सकता है।